क्या नतीजा निकलता है, मगर मेरा और यहाँ पे आए हर शिक्षक का केवल एक ही दर्द है कि पहली बार आजादी के बाद उच्च शिक्षा के शिक्षक शिक्षक दिवस के दिन मजबूर हो गए। सरकार ने मजबूर कर दिया कि हम जो है जेल भरने के लिए अपने महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को छोड़कर ये रोड पर खड़े हैं, जंतर मंतर पे। ये इस सरकार की नाकामयाबी है कि कुछ छोटे से थोड़े से शिक्षकों के लिए उनकी मांग को मनवाने के लिए शिक्षकों को यहाँ तक पहुँचना पड़ा। हमारा सरकार से बार बार अनुरोध है कि हमारी कोई गलत मांग नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सारे हर कर्मचारी का सातवां वेतन आयोग लग चुका है, स्टेट्स में भी लग चुका है, केंद्र में भी लग चुका है, केवल उच्च शिक्षा का सातवां वेतन आयोग नहीं लगा है। तो यह मांग भर के जो है UGC हम लोगों को सातवां वेतन आयोग दे दे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दे, 65 साल दे दे और API में परिवर्तन कर दे। यही मोटी मोटी मांगे हैं। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वाह पूरे ईमानदारी से करते हैं। अतः मेरा लास्ट में यही कहना है कि हमारी मांगे पूरी करें। कोई हमारा ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर दे। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, शिक्षक संघ, हर धर्मी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी हो। जय शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, केंद्र सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं डॉक्टर रजिता भट्टाचार्य, मैं भी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, और आप स्थिति देख ही रहे हैं सरकार क्या रवैया है। हमारे सम्मान देने के बजाय हमें मजबूर कर दिया है कि आज के दिन जो हमारा दिन होता है साल भर में, उसमें हम बाध्य हो गए कि यहाँ पे आके हमें जेल भरना पड़ रहा है। किस लिए? कि उन लोग हमारी तरफ थोड़ा सा निगाह पॉजिटिव करें। सबको मिल गया है, सबको मिल गया है सातवां पे कमीशन, सिर्फ टीचर्स को। मतलब क्या वो अंडरलाइन करना चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में टीचर्स का कोई योगदान नहीं है? नहीं तो फिर इतना बेरुखी क्यों? पिछले बार भी जब आए थे, आप भी आए थे, आपने पूरा कवर किया था, आपने देखा था इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग थे। किस लिए आए थे? इतना बाध्य क्यों कर दे रही है सरकार कि हमें दौड़ दौड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है? और हम तो कोई गैर कानूनी चीज की तो मांग नहीं कर रहे हैं। अगर एक दिन के लिए भी अगर कोई विधायक नेता बन जाता है, मतलब विधायक बन जाता है, पेंशन उनका रिजर्व हो गया, और जो इतने साल काम करेगा 15 साल 20 साल उसके लिए पेंशन को बोल के कोई चीज नहीं, तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई? वो बुढ़ापे में जाके क्या करेगा? फिर नया नौकरी ढूंढेगा? ये सब चीजों पे क्या सरकार कुछ गौर नहीं करती है? और हम लोगों को सबको बाध्य कर दिया कि सबको छोड़ के आगे, ये हमारा सम्मान कर दिया है सरकार ने, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये की जरूर आप वहां तक पहुंचाइए कि क्या हम लोग का ये हालत की जिम्मेदार कौन है।